जिला हमीरपुर में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश के सदस्यों ने संकल्प दिवस के रूप में महात्मा गांधी की जयंती को मनाया और महासंघ ने इस मौके पर जोरदार प्रदर्शन भी कर अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को उठाया है। पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर एनपीएस कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि देने के बाद पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर संकल्प लिया कि गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए सरकार को पुरानी पेंशन बहाल करना पड़ेगी। महासंघ के जिला प्रधान राकेश कुमार ने बताया कि 6 अक्टूबर को सभी कर्मचारी अपने अपने उपमंडल में अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन भेजेंगे। इसके बावजूद भी अगर सरकार ने कोई विचार विमर्श नहीं करती है तो 24 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मैं राकेश कुमार, जिला प्रधान, एनपीएस एम्प्लॉयज एसोसिएशन हमीरपुर। आज हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए पेंशन संकल्प दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को हमेशा अनदेखा किया जा रहा है। इस संदर्भ में सरकार से कई बार वार्ता की गई परंतु कोई भी परिणाम जो है वो नहीं निकला। 6 तारीख को कर्मचारी संघ जो है हमीरपुर जिला के प्रत्येक खंड में उपमंडल दंडाधिकारी को के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी को ज्ञापन सौंपेंगे। यदि उसके बावजूद भी अगर सरकार हमारी मांग को अनदेखा करती है तो 24 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर एक सांकेतिक धरना होगा और माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा मुख्यमंत्री जी को फिर से ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद भी अगर बात नहीं बनेगी तो कर्मचारी हमेशा संघर्षरत रहेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया कर्मचारियों की दुर्दशा को देखते हुए शीघ्र अति शीघ्र 2009 की नोटिफिकेशन को लागू करने की कृपा करें और पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी आवश्यक कदम उठाएं ताकि कर्मचारी जो है वो अपने सेवानिवृत्ति के बाद का जो जीवन है उसे सुखद ढंग से जी सके। धन्यवाद।